Hello my dear students, today we shall solve question number 11 and 33 from IIT JAM paper 2024 mathematics paper. दोनों questions group theory के हैं and बहुत बढ़िया questions हैं. आइए करते हैं. हाँ जी, question number 11. जरा लॉजिक देखिएगा कितना स्ट्रॉन्ग है. Which one of the following groups has an element of order 1, 2, 3, 4, 5 but does not have an element of order greater than or equal to 6? मतलब ऐसा ग्रुप है आपके पास जिसके पास 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 का, 4 का, 5 का, इन सब का एलिमेंट है, इतने ऑर्डर का एलिमेंट है, बट 6 ऑर्डर का या उससे हायर ऑर्डर का नहीं होना चाहिए. अच्छा जी, अब भाई इसके अंदर जाना पड़ेगा आपको. ये इवन परम्यूटेशंस के ग्रुप्स हैं A6, A5 और ये सब है, तो जहाँ सारे नंबर्स या सारे परम्यूटेशंस होंगी वो वाला चीज़ क्लियर ज़्यादा हो जाता है अच्छे से. तो बेटा पहले S6 और S5 पे काम करते हैं. लुक एट S5. जी, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा आपके पास. हाँ जी, ये भी आएगा, सॉरी, देखिए जरा ध्यान से, ये जो एलिमेंट है बेटा, इसका ऑर्डर तो 6 आएगा, है ना, आपके सामने. वो तो कह रहे नहीं 6 नहीं होना चाहिए, 6 या 6 हायर ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो बेटा ये डी ऑप्शन तो गया. और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सारे एलिमेंट्स तो S6 के पास भी बैठे हुए हैं, तो S6 के पास भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट तो मिल ही जाएगा, तो ये भी गया. तो ये दोनों ऑप्शंस बच्चों ने भी कर लिए थे, स्टूडेंट्स ने कर लिए थे. C और D तो क्लैरिटी के साथ आप हटा सकते हैं. तो S5 में 1, 2, 3, 4, 5 दिस इज द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 और S6 में अगेन द सेम, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6. तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं गिवन स्टेटमेंट को, तो सी और डी तो करेक्ट है नहीं ना. व्हाट अबाउट ए एंड बी, देखते हैं बेटा. एक क्वेश्चन नंबर 11 है. क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब सिंगल करेक्ट. अब 4 में से 2 तो चले गए, अब बस इन दोनों में से किसी एक को पकड़ के क्लियर कर लो कि ट्रू होगा या नहीं होगा. तो इसमें ज्यादा सिंबल्स है, इसमें कम है. A5 देख लेते हैं. आइए जरा A5 पे बात करते हैं. ध्यान से देखना, मैंने क्लास में भी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया बेटा, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा है. बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप S5 में सारे एलिमेंट्स या सब टाइप के एलिमेंट्स लिखेंगे तो आपके पास 1 साइकिल है, 2 साइकिल है, यू हैव 3 साइकिल, यू हैव 4 साइकिल, यू हैव 5 साइकिल. एंड जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल अलॉन्ग विथ 3 साइकिल. अब इसमें से A5 में वो सब आएंगे जो इवन है. बेटा ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है. तो आइए जरा 1, 3 साइकिल, 5 साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, बट ये तो इवन नहीं है, ये नहीं आएगा. अब भाई ये इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है. अच्छा जी, अब देखने में लग रहा है कि हो जाएगा. बेटा यहाँ आप क्लियर करो ना. देखो A5 के पास ऑर्डर 1 का एलिमेंट है, 3 का है, ये 2 का हो गया, ये 5 का हो गया. यहाँ 4 ऑर्डर का तो आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा. 4 ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा और तो कहीं से आएगा नहीं. बट ये तो ऑड परम्यूटेशन है, तो ऑड परम्यूटेशन है तो इवन वाले में तो जाएगा नहीं. आपको समझ में आ गई बात. A5 के पास काफी सारे एलिमेंट्स हैं. ये ऑर्डर 1 हो गया, ऑर्डर 3 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, इवन ऑर्डर 5 भी है, बट इट डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4. यू कैन सी, बता दीजिए ना, 4 ऑर्डर का एलिमेंट तो 4 साइकिल से ही बनेगा और तो कहीं से बनेगा नहीं, दिख रहा है यहाँ पे. और ये तो A5 में जाएगा नहीं. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. तो इसके पास A5 के पास ये वाली कंडीशन नहीं है, तो बेटा ये भी गया. तो ऑब्वियसली अब ए पार्टी करेक्ट होगा. भाई वो थोड़ा सा तो आपको उलझाएंगे ना, थोड़ा सा तो उलझाएंगे. अब कई बच्चे ए ऑप्शन में लग गए, क्वेश्चन निकला ही नहीं उनसे. अरे भाई जो ऑप्शंस क्लैरिटी के साथ आप डिस्कार्ड कर सकते हैं वो कर लीजिए ना. युद्ध जीतने का, बड़ी लड़ाई जीतने का तरीका, तो स्ट्रैटेजी भी वैसे बनानी पड़ती है. थैंक यू. अच्छा लगा हो अगर आपको सोल्यूशन तो कमेंट जरूर कीजिएगा. अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आइए. हाँ जी, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा. Which of the following statements is are true? Again उन्होंने जिस ऑर्डर में क्वेश्चन लिख के दिया है बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि आप ए ऑप्शन ही पहले करें या फिर उसके बाद बी करें। तो ऐसे ही नजर मार लिया करो ना, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, पता लग जाएगा। इतना पैनिक क्या होना है। आइए जरा सब एक एक करके सब करा देते हैं आप लोगों को। तो ए बी सी डी, तो बेटा ये इस क्वेश्चन में मतलब एक्चुअल में क्या है, वहाँ छोटी चीज भी बहुत बड़ी दिखने लग जाती है क्योंकि बच्चों पे प्रेशर होता है। तो बेटा ये स्टेटमेंट की बजाय अगर आप सिंबलाइज कर लेंगे क्वेश्चन को, सिंबलाइज तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे पहले वाले में एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल्स, यानी आर के साथ प्लस का ऑपरेशन है, और ये आइसोमॉर्फिक बता रहे हैं किसके साथ, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल्स। तो पॉजिटिव रियल्स यानी आर प्लस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखो कितना आराम से हो गया। अगर उन्होंने सिंबलाइज करके दिया होता ना क्वेश्चन, तो वो बच्चे भी कर लेते जो घबरा रहे थे थोड़ा। तो ये इस तरीके से होगा। तो बेटा मैंने मोटा मोटा देखा क्वेश्चन को, मुझे लास्ट ऑप्शन में तो कुछ लगा ही नहीं बेटा। लास्ट ऑप्शन में डी ऑप्शन में क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल्स यानी आर प्लस के साथ, और उधर दिया है एडिटिव ग्रुप ऑफ रैशनल्स क्यू प्लस के साथ। अब आइसोमॉर्फिक है नहीं। अरे मेरे प्यारे प्यारे बेटा, आइसोमॉर्फिक होने के लिए बेटा 1-1 मैपिंग, 1-2 मैपिंग और होमोमॉर्फिज्म चाहिए आपको इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में तो इनका कार्डिनलिटी नहीं मैच कर रहा, वो अनकाउंटेबल है। देखो ना भाई, आप इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट अलजेब्रा ही लगाएंगे, एनालिसिस भी लगा लीजिए। और ये काउंटेबल है, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। इन दोनों सेट्स के बीच में कभी भी एक 1-1, 1-2 मैपिंग नहीं एग्जिस्ट करेगा। आपको समझ में आया। तो आइसोमॉर्फिज्म इज ये, दिस आइसोमॉर्फिक होना इज आउट ऑफ क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। लॉजिक मैंने पहले बोला था, लॉजिक देखना आपको, ये गलत है। एक ग्रुप काउंटेबल है दूसरा अनकाउंटेबल है, आपस में आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते, भूल जाइए। चलिए तो गया। अब जरा सी पार्ट पे आइए। एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल्स इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स। एंड बी और सी लगभग एक जैसे हैं। बी पे आ जाओ पहले। मल्टीप्लिकेटिव इधर भी है और मल्टीप्लिकेटिव उधर भी है। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव है नॉन जीरो रियल्स का। मेरे बेटा ध्यान दीजिए, आर स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बी और सी एक जैसी हैं। सी स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यू नो व्हाट इज आर स्टार, आर माइनस जीरो, सी स्टार सी माइनस जीरो। क्या ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है? बी पार्ट देखो। हाँ जी, यहाँ यस, इसमें ऑर्डर 3 का एलिमेंट और इसमें ऑर्डर 3 का एलिमेंट। कैन यू फाइंड, यहाँ ऑर्डर 3 का एलिमेंट यानी x³ = 1 को आपको सॉल्व करना है। तो आप सबको पता है क्या रूट्स आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। 3³ रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ा, गलती किया बहुत। तो बेटा इसमें ये -1 ± √3 i/2। हाँ जी, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर 3 है, बट यहाँ तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पे सॉल्व कर लो ना आप, x³ = 1। तो 3 रूट्स में से एक ही रूट रियल है, बाकी 2 तो कॉम्प्लेक्स है, और 1 का ऑर्डर तो 3 नहीं होते, यू नो मल्टीप्लीकेशन में। तो बेटा यहाँ आप कह सकते हैं इट कंटेन्स नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। लॉजिक देख लीजिए, कोई काट नहीं सकता। एंड यहाँ इट कंटेन्स एन एलिमेंट, ऑर्डर 3। तो बेटा इसके पास है उसके पास नहीं है, तो गुण कहाँ मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा है, तो फिर मैच भी नहीं हो पाएगा, यानी आइसोमॉर्फिक नहीं हो पाएगा। ये भी गया। तो लॉजिक से आपका डी चला गया, बी चला गया। अब इसी लॉजिक के साथ क्या सी ऑप्शन भी जाएगा। ये एडिटिव ग्रुप है रियल्स का और यहाँ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स का। तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स को तो ऐसे ही रहने दो। अब जरा यहाँ ये हम सी पार्ट कर रहे हैं, एडिटिव ग्रुप देखिए। आइए एडिटिव ग्रुप रियल्स का, आर विद रिस्पेक्ट टू प्लस। मेरे प्यारे प्यारे बेटा, इसके पास तो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट भी है एक्सेप्ट आइडेंटिटी। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। आप बता दो, ये 0 इसका आइडेंटिटी है। मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, ऐसा एलिमेंट बताइए जिसको 2 बार ऐड करने पे 0 आए। ऐसा एलिमेंट बताइए जिसको 3 बार ऐड करने पे 0 आए। ऑर्डर अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 है तो 2 टाइम्स ऐड करने पे 0 हो जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ ए 3 है तो 3 टाइम्स ऐड करने पे 0 हो जाएगा। जादू मंत्र चल रहा है यहाँ। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता जिसको 2 बार ऐड करेंगे आप और 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बेचारे के पास ऑर्डर 2 का ऑर्डर 3 का एलिमेंट ही नहीं है। सो दिस इज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 या ऑर्डर 2 कह लीजिए, इट्स अप टू यू। बट इसके पास है, इसके पास -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ऑर्डर 2 का एलिमेंट है या नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 और 3 का आपके सामने। समझ में आ गया? लो मनाओ खुशियाँ। तो बी गया, सी गया, डी गया। क्वेश्चन नंबर है 33। एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता था, जस्ट वेट। अब ये बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो होगा तो ए ही, बट वो कैसा होगा मैपिंग भी देख लीजिए। देखिए ये पूछ रहे हैं आपसे, तो ये मैपिंग आपका आर से आर प्लस, ऐसा फंक्शन सोचिए जिसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, एक्सपोनेंशियल लो। ओके, सो जस्ट डिफाइन, सिंपली डिफाइन एफ फ्रॉम आर प्लस, आर प्लस डॉट बाय एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, टू पावर एक्स, थ्री पावर एक्स, अरे कुछ भी ले लो भाई, सबसे हो जाएगा। हाँ जी, जरा देखिए ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, ये होमो है या नहीं है मेरे बेटा, प्लस लगाना है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बिकम्स ई ऑफ एक्स प्लस वाई मेरे बेटा, विच विल बिकम ई एक्स ई वाई, विच विल बिकम एफ एक्स एफ वाई। तो भैया ये तो होमोमॉर्फिज्म हो गया, ये प्लस है वो डॉट है, यहाँ प्लस है यहाँ डॉट है, होमोमॉर्फिज्म हो गया। और ना व्हाट अबाउट वन वन ऑन टू, अरे भैया प्रूव क्या करना है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ नहीं पता है आपको कैसे बनता है, क्या प्रूव कर रहे हो, ये वन वन ऑन टू नहीं होगा क्या, नहीं सर ऑन टू नहीं है, अरे कैसे नहीं है ऑन टू, आप कोडोमेन देखिए ना, कोडोमेन के एलिमेंट का प्री में जाना चाहिए, आर प्लस कोडोमेन ई यहाँ से यहाँ तक, नीचे तो जाना नहीं है, आर प्लस इतना ही होगा ना वाई एक्सिस का। तो दिस इज वन वन ऑन टू, वाओ, सो देयर इज अ मैपिंग व्हिच इज होमो वन वन ऑन टू, दैट मींस ये दोनों सेट्स आपस में क्या है मेरे बेटा, आइसोमॉर्फिक। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये अगर स्टेटमेंट वाइज ना देके सिंबल वाइज दिया गया होता तो काफी सारे बच्चे इसको आराम से कर पाते, वो पैनिक होने की वजह से जो होने वाला था ना वो भी आप समझ रहे हैं। चलिए, आई थिंक क्वेश्चन का लॉजिक, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।